मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जनता से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की। इस बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। जनता के सहयोग से कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि कहीं भी भीड़ न इकट्ठी हो, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आम जन से अनुरोध किया कि चैत्र नवरात्र में लोग अपने घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को धर्म गुरुओं से संपर्क व संवाद स्थापित कर उनके माध्यम से धार्मिक स्थलों पर एकत्रित न होने के लिए आमजन को जागरूक कराने के निर्देश दिए। SDRF शहरों में इस बीमारी की रोकथाम में जनता को सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक नगर निगम में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों में माइक लगाकर कोरोना वायरस से बचाव का व्यापक प्रसार प्रचार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जनता से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग भीड़भाड़ के स्थानों पर जाने से परहेज करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना फ्लू को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1.5 माह पहले ही उपाय शुरू किए थे। इसका परिणाम है कि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। जनता के सहयोग से इस पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि कहीं भी भीड़ न इकट्ठी हो, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने धर्मगुरुओं से आगे आकर कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार करने की अपील की है। इस दिशा में विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उन्होंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चैत्र नवरात्र सन्निकट है। नवरात्र के प्रथम व दूसरे दिन तथा नवमी व अष्टमी पर लोग विशेष रूप से मंदिरों में दर्शन पूजन हेतु जाते हैं। इस दौरान अनेक स्थानों पर मेले आदि का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें जनता की भारी भागीदारी होती है। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लोग अपने घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें। इससे इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने अपने जनपद में धर्मगुरुओं से संपर्क व संवाद स्थापित कर उनके माध्यम से धार्मिक स्थलों पर एकत्रित न होने के लिए आमजन को जागरूक कराएं। मुख्यमंत्री जी ने SDRF बल को निर्देशित किया है कि वह शहरों में इस बीमारी की रोकथाम में जनता को सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक नगर निगम में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों में माइक लगाकर कोरोना वायरस से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जनता से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की। इस बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। जनता के सहयोग से कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि कहीं भी भीड़ न इकट्ठी हो, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में